दिल्ली में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट। रैकेट में उलझकर अगवा हुई दो लड़कियां। हरियाणा बॉर्डर पर हुआ पहली का कत्ल। गुड़गांव में हुआ दूसरी का कत्ल। 15,000 किलोमीटर दूर से मिला सुराग। और 50 दिन बाद खुली कत्ल की साजिश। लेट नाइट पार्टीज, खूबसूरत हसीनाएं, बेली डांसर्स और बेइंतहा मौज मस्ती। लेकिन महानगरों के इस हैपनिंग नाइट लाइफ के पीछे कई बार इतना अंधेरा होता है कि रात गुजरती है तो दिन भी स्याह नजर आने लगता है। दिल्ली में कुछ ऐसी ही रातों की चकाचौंध के बाद जब सुबह हुई तो जुर्म की वो कहानी सामने आई कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेट नाइट पार्टीज की जान बनने वाली ऐसी ही दो खूबसूरत और दिलकश विदेशी हसीनाओं का कत्ल हो चुका था। नाम शकनोजा शुकुरोवा, उम्र 26 साल, पहचान बेली डांसर। नाम नाज अताजनोवा, उम्र 28 साल, पहचान पार्टी ऑर्गेनाइजर। इनमें एक लड़की शकनोजा की अधजली लाश पुलिस ने दिल्ली से दूर हरियाणा के पानीपत इलाके में एक सुनसान जगह से बरामद की, तो दूसरी लड़की नाज की लाश भी दिल्ली से बाहर यूपी के हापुड़ इलाके से। इत्तेफाक देखिए कि ये दोनों ही लड़कियां एक ही दिन दिल्ली से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन दोनों की लाश एक दूसरे से काफी दूर और अलग अलग तारीखों में मिली। दिल्ली के किशनगढ़ में रह रही शकनोजा 24 सितंबर की रात अपने ड्राइवर के साथ कहीं जाने के लिए निकली थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो साउथ एक्स के इलाके में पहुंची तो किसी ने उसे अगवा कर लिया, लेकिन इत्तेफाक से जिस वक्त शकनोजा को अगवा किया गया वो मोबाइल फोन पर उज्बेकिस्तान में मौजूद अपनी माँ से बात कर रही थी। और जैसे ही उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख दिल्ली से हजारों मील दूर उज्बेकिस्तान भी पहुंची, मगर कुछ ही देर में मोबाइल फोन के स्विच ऑफ होने की सूरत में ये चीख घुट कर रह गई। अब शकनोजा की मां ने दिल्ली में मौजूद अपने रिश्तेदारों को फोन पर अपनी बेटी के साथ हुए हादसे की खबर दी और उसे ढूंढने को कहा। रिश्तेदारों ने उसी वक्त दिल्ली पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने तब मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि पुलिस के पास शकनोजा को अगवा किए जाने के पुख्ता सुराग थे, क्योंकि शकनोजा की मां के बताने पर उसके रिश्तेदारों ने यहां पुलिस को उसे अगवा करने वाले कुछ लोगों के नाम भी बताए थे, और इन्हीं नामों में एक थी शकनोजा की हमवतन दोस्त और पार्टी ऑर्गेनाइजर नाज अताजनोवा। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने तब इस मामले में एक अदद रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। और बाद में पुलिस की यही काहिली न सिर्फ शकनोजा बल्कि उसकी दोस्त नाज की भी मौत की वजह बन गई। जी हाँ, वही नाज जिस पर शकनोजा के पूरे परिवार को अब तक अपनी बेटी को अगवा किए जाने का शक था। अगवा किए जाने के अगले ही दिन यानी 25 सितंबर को पानीपत पुलिस ने शकनोजा की लाश लावारिस हालत में बरामद की, जबकि हापुड़ पुलिस को इसके ठीक 11 दिन बाद यानी 6 अक्टूबर को नाज की लाश मिली, वो भी गुमनाम हालत में। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों और कैसे हुआ इन दोनों लड़कियों का कत्ल? आखिर इन दोनों विदेशी बालाओं से किसी की क्या दुश्मनी थी? आखिर किसने रची दोनों को ठिकाने लगाने की साजिश? असली कहानी तो अभी बाकी है। माँ और बेटी के दरमियान टेलीफोन पर हुई जो बातचीत दो विदेशी लड़कियों को अगवा किए जाने के पूरे मामले को सुलझा सकती थी, पुलिस की काहिली से वही टेलीफोन कॉल दोनों के कत्ल को सुलझाने का जरिया साबित हुई। ये टेलीफोनिक बातचीत कोई और नहीं बल्कि कत्ल की शिकार हुई लड़की शकनोजा और दिल्ली से 15,000 किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान में मौजूद उसकी माँ
शोकिश्ता शुकुरोवा के दरमियान हो रही थी। 24 सितंबर 2015 रात 8:30 बजे साउथ एक्स दिल्ली। शकनोजा को जब अगवा किया गया, मां बेटी के बीच टेलीफोन पर बातचीत का यह सिलसिला चल रहा था और इसी बातचीत की बदौलत पहली बार शकनोजा की मां को अपनी बेटी के अगवा हो जाने की खबर मिली। लेकिन सितम देखिए कि उसकी मां के बताने पर जब शकनोजा के रिश्तेदार लड़की को अगवा किए जाने की शिकायत लेकर कोटला मुबारकपुर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने की बजाय उन्हें थाने से ही भगा दिया। अपनी बेटी के अपहरण से परेशान अब उसकी मां सीधे उज़्बेकिस्तान से दिल्ली आ पहुंची और इसके बाद थाने से लेकर डीसीपी ऑफिस तक के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद आखिरकार 8 अक्टूबर को कोटला मुबारकपुर की पुलिस ने शकनोजा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में जितनी हीला हवाली की, मामले की तफ्तीश करने में कहीं उससे भी ज्यादा। यही वजह है कि अपहरण में नाज के अलावा शामिल कुछ और लोगों के नाम बताए जाने के बावजूद पुलिस न तो उन तक पहुंच सकी और न ही शकनोजा का पता लगा सकी। उधर अपहरण किए जाने के चंद घंटे बाद ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कातिलों ने शकनोजा का न सिर्फ गला घोंटकर कत्ल कर दिया बल्कि लाश को एक सूटकेस में डालकर पानीपत में जला भी दिया। इधर दिल्ली पुलिस सारी बातों से बेखबर बनी रही। उधर हरियाणा पुलिस ने शकनोजा की लाश को लावारिस मानकर उसका पोस्टमार्टम करवाने और विसरा रखवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस मामले में अभी एक और पेच बाकी था। शकनोजा की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को अगवा करने वालों में नाज के साथ साथ गगन नाम का एक शख्स भी अपने कुछ दोस्तों के साथ शामिल था। इनमें गगन और बाकी दोस्त तो पुलिस के सामने आकर शकनोजा के घर वालों के तमाम इल्जामों को झुठलाते रहे लेकिन नाज कभी सामने नहीं आई। पुलिस ने जब जब गगन से शकनोजा और नाज के बारे में पूछा, गगन ने पुलिस को बताया कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं। लेकिन जब 50 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद दोनों लड़कियों का कुछ पता नहीं चला तो अब तक मामले को हल्के में ले रही दिल्ली पुलिस ने गगन पर सख्ती की शुरुआत की। और बस यही गगन ने एक ऐसी बात बताई कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात थी शकनोजा के कत्ल की। जी हां, उसी शकनोजा के कत्ल की जिसे गगन अब तक भागी हुई बता रहा था। गगन की निशानदेही पर अब दिल्ली पुलिस सीधे पानीपत जा पहुंची और जब वहां की पुलिस से दरियाफ्त किया तो पता चला कि 25 सितंबर को उन्हें वाकई अपने इलाके में 26 साल की एक लड़की की जली हुई लाश मिली थी। अब ये बात तकरीबन साफ हो गई कि शकनोजा के कत्ल को लेकर कम से कम इस बार गगन सच बोल रहा है। पुलिस ने गगन को फौरन गिरफ्तार कर लिया। गगन से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने बताया कि शकनोजा के कत्ल में नाज भी उसके साथ शामिल थी लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहीं और गायब हो गई। इस तरह पुलिस ने पहली लड़की यानी शकनोजा के अपहरण और कत्ल का मामला तो सुलझा लिया लेकिन उसे अब भी नाज की तलाश थी जो शकनोजा के अगवा होने वाले दिन से ही गायब चल रही थी। लेकिन पुलिस को उसकी तलाश मकतूल के तौर पर नहीं बल्कि शकनोजा के कातिल के तौर पर थी। पुलिस ने अब गगन से पूछताछ तेज कर दी। गगन ने नाज के जहां जहां छिपे होने के बारे में बताया। पुलिस ने हर उस ठिकाने की खाक छानी लेकिन हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी बीच पुलिस को शकनोजा के घर वालों से एक ऐसा खत हाथ लगा जिसने नाज की गुमशुदगी की सारी कहानी पलट कर रख दी। उज़्बेक लैंग्वेज में लिखा ये खत नाज का था। नाज ने लिखा था, हिंदुस्तान आने के बाद से लगातार गगन मेरा शोषण कर रहा है। मुझे वो बड़े और अमीर लोगों के सामने पेश कर रहा है। मैं उसके सेक्स रैकेट में बुरी तरह फंस चुकी हूँ। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार गगन ही होगा। शकनोजा का कत्ल, गगन की करतूत और नाज की इस चिट्ठी ने एक बार फिर से गगन को शक के दायरे में ला दिया और पहले कत्ल के खुलासे के ठीक 3 दिन बाद गगन ने दूसरा खुलासा किया। खुलासा
नाज के कत्ल और यूपी के हापुड़ में उसकी लाश निपटाने का। गगन ने बताया कि उसने 5 अक्टूबर को नाज का कत्ल करने के बाद उसकी लाश भी हापुड़ में ही जला दी थी। अब मर्डर का ये मामला डबल मर्डर में तब्दील हो चुका था। दो दो विदेशी लड़कियों के कत्ल के मामले में पुलिस गगन को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन यह मामला जितना खौफनाक था उतना ही चौंकाने वाला। दरअसल जिस तरह से पहले एक लड़की को अगवा करने के बाद उसका कत्ल किया गया और फिर उसके कुछ ही रोज बाद पहली लड़की को अगवा करने में शामिल रही दूसरी लड़की का भी कत्ल किया गया, वो अपने आप में बड़ा अजीब था। सवाल यह था कि आखिर गगन की दोनों से दुश्मनी क्या थी, और सवाल यह भी था कि आखिर नाज ने शखनोजा के कत्ल में गगन का साथ क्यों दिया। तो पुलिस ने जब गगन का मुंह खुलवाया तो असली कहानी सामने आ गई। गगन ने पुलिस को बताया कि शखनोजा को नाज से 8 लाख रुपए लेने थे। नाज ये रुपए नहीं दे पा रही थी और यही रुपए दोनों के बीच दुश्मनी की वजह बन गई थी। शखनोजा ने नाज का पासपोर्ट गिरवी रखवा कर कुछ ज्वेलरी की खरीदारी कर ली थी और शखनोजा के अपहरण के रोज दोनों ने उसे यही मामला सेटल करने के लिए बुलाया था। लेकिन इसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि गगन ने पहले नाज के साथ मिलकर शखनोजा का कत्ल कर दिया और फिर धोखे से नाज को भी मार डाला। फिलहाल पुलिस गगन के सेक्स रैकेट, नाज की गगन के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी, रुपए पैसे के लेन देन, पासपोर्ट की पेंच समेत तमाम पहलुओं को खंगाल रही है, ताकि ये बात और साफ हो सके कि आखिर गगन ने एक एक कर दो लड़कियों की जान क्यों ली।